नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। उनके निधन पर चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सरलता, सहजता और साम्यता के पर्याय नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया का निधन अपूर्णीय क्षति है। उनका कद इतना था कि वह किसी पद के मोहताज नहीं रहे। नंदू भैया ने पार्षद से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व संभाला, फिर भी वह हमेशा सहज, सरल और विनम्र रहे। भाजपा में विभिन्न दायित्व संभालने से पहले भी नंदू भैया का कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नंदू भैया का कार्यकाल मध्य प्रदेश भाजपा का स्वर्णिम कालखंड माना जाता है। भाजपा नेताओं द्वारा नंदू भैया के सहज, सरल और विनम्र व्यक्तित्व को आत्मसार करना ही नंदू भैया के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती है। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज सुबह मध्य प्रदेश के एक ऐसे राजनेता का निधन हुआ जिनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि वे पार्षद रहे, नगरपालिका अध्यक्ष रहे, 2 बार विधायक, 6 बार सांसद रहे। मैं बात कर रहा हूं नंदू भैया की, जो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाजपा के रहे। और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार। नंदू भैया से आपका भी व्यक्तिगत रूप से काफी जुड़ाव रहा, आप क्या कहेंगे आज उनके निधन पर? यह बड़े शोक का विषय है कि सहजता, सरलता, सौम्यता के संगम वाले राजनेता आज हमारे बीच नहीं रहे। इतना जमीनी संघर्ष, जमीनी राजनीति से शिखर पर पहुंचने वाले नंदू भैया पार्षद से लेकर प्रदेश अध्यक्ष ऐसे विरले ही होते हैं, और उनकी सहजता, सरलता, सौम्यता, आत्मीयता के कारण बना हुआ जो कद था वो हृदयों में इस प्रकार स्थापित रहा कि किसी पद का मोहताज नहीं रहा। नंदू भैया के समर्थक, प्रशंसक इसलिए नहीं थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके पहले भी उनके साथ कार्यकर्ताओं का जुड़ाव, लगाव और उसके बाद भी लगाव। और निश्चित रूप से यदि कहा जाए, इसको कहने में कोई गुरेज या संकोच नहीं है कि इतने बड़े कद पर भी पहुंचने के बाद उनमें जो विनम्रता और शालीनता थी वे विलक्षण थी। और मुझे लगता है कि भाजपा की राजनीति में निश्चित रूप से पार्टी में डिफरेंस है, अनेकों नेता सहज सरल हैं, लेकिन नंदू भैया जैसी सरलता देखने को नहीं मिलती। और उनके कार्यकाल भी एक संयोग था कि जिस तरह एक विनम्र, शालीन, संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी और उनके साथ ही उसी प्रकार के सहज सरल नंदू भैया की जोड़ी भी भाजपा के प्रदेश का एक स्वर्णिम काल के रूप में नजर आती है। मुझे लगता है कि उनके जैसी सहजता, सरलता, विनम्रता भाजपा के पदाधिकारियों में आए, यही उनके प्रति सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि होगी। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता भी वहां नहीं, यहां है। पुनः नंदू भैया उन भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में किसी भी स्वरूप में आए, और निश्चित रूप से ऐसे लोग कहीं जाते नहीं है, वो कार्यकर्ताओं के हृदय में स्थायी रूप से वास करते हैं। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।